कुरैशी मामले में एक के बाद एक लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। जहां अब तक ये मामला सिर्फ पैसों की ठगी से जुड़ा हुआ लग रहा था, वहीं अब एक और नए खुलासे ने इस मामले को एक नया मोड़ देकर और भी गंभीर बना दिया है। ये नया खुलासा एमडी ड्रग से जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र खुद मुख्य आरोपी राजिक कुरैशी ने किया है। खुद कुरैशी की जुबानी सुनिए एमडी ड्रग्स के इस नए पहलू को। हाँ वो देखो मैं क्या बोल रही हूँ, वो सब डाल मेरे भाई ने तेरे साथ कुछ गद्दारी करा क्या? मेरे दिलीप ने करा क्या कोई गद्दारी तेरे साथ? भाई मैं क्या बोला, दिलीप भाई से को तो वैसे भी मालूम है। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ दिलीप भाई को तो पालने का सारी जिंदगी में ठेलो उठा के रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ इतनी जो गद्दारी उनकी माफी कर देता, उनका छोड़ दो। हाँ वो मेरे घर का जैसा इंसान हो गया। हाँ बाकी दूसरों की बता रहा हूँ, हाँ जिनसे मेरी करीब नहीं है। हाँ दिलीप भाई ने मेरे से गद्दारी कुछ भी नहीं करी, लेकिन दिलीप भाई ने भी चबाया तुमको, झूठ क्या बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ हाँ ये बात मैंने भी सुनी थी, सुनी थी ना बेटा मैंने भी। हाँ ना सिर्फ चबा है, उनके पीठ पीछे उनके लड़के ने भी चबाया। ऐसा नहीं कि लड़कों को नहीं डांटे, हाँ लड़कों को भी डांटे उनने कि मत चबाओ, लेकिन बाप ही चबा रहा था, पीठ पीछे लड़के चबाए नहीं ना। हाँ सही बोल, उन्होंने चबाया। हाँ नहीं वो मेरा मोनू नहीं रहता रे, मोनू नहीं रहता है सब बात में। वो बड़े वाला को जरा लग गई थी बाहर की हवा, पोटो ने लगा दिए थे, नोटा के बंडल दिख रहे थे ना पास में उसके, तो करके पोटो ने उसके पीछे लग गए थे, पोटो ने उसको लत लगाए थे। अबे मैं बोला ये सब बरकतें ऐसी खराब हुई है, मैं इतने करोड़ों रुपए कमाने वाला, हाँ अरबों रुपए, अबे मैं सबका बड़ा सेठ, मैंने जिंदगी में आज तक कभी चबाया, मेरे को कुछ मालूम होगा ना। हाँ सही बात है ना। अबे दुनिया में एरिया में चरस खत्म हो जा रही थी, मैं गांजा फूंक ले रहा हूँ। हाँ अबे जो झाड़ से उगा उसको फूंक लो, हाँ वो भी गलत है, एक तरीके से इंसान को पतला करता है। हाँ होता कुछ नहीं, उसमें इंसान का डरपोक हो जाता है अगर मैं बात करता लोगों से। हाँ लेकिन उसमें सबसे बड़ा खोटापना ये है कि इंसान दुबला हो जाता है, वो भी अच्छी चीज नहीं है। हाँ लेकिन अभी चलो वो है एक अपने एरिया में कई सालों से चल रही बुजुर्गों के दिन, शराब नहीं पीना, पुड़िया नहीं खाना, कोकीन फोकीन फेमडी ये नहीं खाना, ये हराम सूरत चीज है। सही बात है ना, अरे कितना समझाई मैंने तो, मैं तो हमने तो सामने चिल्लाते रहते थे मालूम है क्या, ये एमडी नाम का जो नशा है इसने मेरा धंधा बर्बाद करा है। मेरे पूरे एजेंटों को एमडी खाने की आदत लग गई थी, मैं बता रहा हूँ तुमको, एमडी खाने के नशे ने बर्बाद करा। सही बोल रहा तू, मैं क्या बोल रही हूँ तेरे को, मैंने ना दो तीन लोगों को, दो तीन, हाँ सभी, हाँ उधर फिरोज भाई, उधर सोनू भाई, इधर जितने मेरे मेरे एजेंट पीठ पीछे आके मेरे को सलाम दुआ और मेरे से चापलूसी करने के बाद पीठ पीछे, सब लोग पूरी उल्टे सीधे नशे कर रहे थे। इन लोगों ने नशे में धंधे पे ध्यान दिए नहीं, पुलिस वालों ने बुलाया मिलने का ही नहीं टाइम पे टाइम। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, इज्जत को खो दिए और पूरे गलत कैटेगरी के लोगों के साथ में जुड़ा होने की वजह से मेरे धंधे को। एमडी ड्रग्स का नशा करने वाले कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें एजेंट दिलीप के बेटे मोनू, फहीम, शफी, फिरोज और सोनू जैसे एजेंट का नाम ड्रग्स लेने वालों की श्रेणी में शामिल है। साथ ही महज एमडी ड्रग्स ही नहीं बल्कि शराब, कोकेन और अन्य नशीले पदार्थों का भी सेवन करने की बात और खरीदे व बेचे जाने की बात भी इस ऑडियो क्लिप से साफ जाहिर हो रही है। ये एमडी ड्रग्स जिसने खरीदी जाती थी उनका नाम पर अभी भी पर्दापोशी की गई है, और पर्दापोश तो अब तक राजिक कुरैशी भी है, जिसका पता पुलिस को नहीं लग पाया है। लेकिन अब तक राजिक कुरैशी को पल पल की हर खबर अपने एजेंट्स की हर एक आकी गई कदम पर रखी गई है कि उसका कौन सा एजेंट क्या काम कर रहा है और किस कारनामे को अंजाम दे रहा है। अब इस मामले में एमडी ड्रग्स के खुलासे ने इस मामले को, इस धोखाधड़ी के मामले को और भी संगीन बना दिया है, और अब तक पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान बना हुआ है। इस मामले में अब और कितने खुलासे होने बाकी है, इसे जानने के लिए जुड़े रहे हमारी इस मामले की अगली खबर पर। तब तक के लिए देखते रहिए BCN न्यूज़।